Hi guys, I'm Pradesh Arora. Welcome back to my YouTube channel. I am currently studying XM versus Law School Hyderabad. और इस topic पे बात करना बहुत important है. It is for specifically those students who are preparing for SLAT this year and written ability test के लिए. उनको थोड़ी सी confusion है. तो इस video में मैं सब कुछ discuss करूँगा आप लोगों के साथ कि written ability test को कैसे किया जा सकता है and आपका wet topic कैसे easy हो जाएगा. Secondly, written ability test is nothing else than an essay. एक essay जिसको आपको 400 to 500 words का लिखना होगा और कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको इस चीज को क्रैक करने के लिए. लास्ट ईयर मैंने भी अपना written ability test दिया था. हमारे टाइम पे वेट एग्जाम के जस्ट बाद था, तो हमारे को 60 मिनट्स एग्जाम के लिए मिले थे एंड उसके बाद वेट था. दिस ईयर पैटर्न इज स्लाइटली चेंज बट टॉपिक्स वही रहेंगे, स्ट्रैटेजी वही रहेगी. तो स्टे ट्यून विद मी इस टॉपिक को क्रैक करने के लिए. रिटन एबिलिटी टेस्ट बहुत सारे पेपर्स में यूज होता है, जैसे IIM के पेपर्स में होता है, GMAT के पेपर्स में होता है, सिमिलरली स्लैट के पेपर में भी होता है. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस सेक्शन को देखते हुए कि आपको क्या जज करना चाहता है एग्जामिनर. आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एग्जामिनर को जज करनी है. आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो एज अ टॉपिक, आप क्या चूज कर सकते हो आपकी राइटिंग में. वो ऐसा आपकी एबिलिटी जानना चाहते हैं जो आपको इंस्टेंट टॉपिक दे और आप उसके लिए कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें. तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहला है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी वो चेक करेंगे. तो जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिकली एक पैराग्राफ में पुट करना और अपने थॉट्स रखना. ध्यान रखना होगा कि आप जो भी थॉट्स रख रहे हो वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए ज़्यादा इंक्लाइन ना हो. आप थोड़ा उसको बिल्कुल ज्यादा ना आप उसके पॉजिटिव्स में जाना ना उसके नेगेटिव में जाना. ध्यान रखना क्योंकि आपको नहीं पता आपका एग्जामिनर की थिंकिंग कैसी है, वो किस टाइप से सोचता है उस टॉपिक के बारे में. तो आपको अपना स्टैंड थोड़ा न्यूट्रल रखना पड़ेगा, ना किसी चीज के लिए ज्यादा बेंड होना है ना और किसी चीज को ज्यादा अपोज करना है. दूसरी चीज आपका एक्सप्रेशन. आपका एक्सप्रेशन काफी मैटर करता है जब आप वेट जैसा टॉपिक पे अपना पैराग्राफ लिखते हो. तो उसमें अपना एक्सप्रेशन जितना ऑर्गेनाइज डेवलप लिख सकते हो आइडियाज को वो मेंशन करना. आपकी लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज ग्रामर लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना है. आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं करना, वो ध्यान रखना. पंक्चुएशंस का ढंग से यूज करना. सेकेंडली नॉलेज और एप्लीकेशन, जितना आप उसमें शो कर सकोगे तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. एग्जाम्पल्स यूज करना, सपोर्टिंग रीजंस इंक्लूड करना और अपनी थिंकिंग को मल्टी डायमेंशनल वे में उसको रिप्रेजेंट करना. ये सारी चीज़ें आपको अपने ऐसे में ध्यान रखना है. और एक दो चीज़ें और है, पॉइंट्स में नहीं लिखना. आप उनको ट्वेल्थ में हमेशा बोलते थे कि आंसर्स पॉइंट्स में लिखो जिससे मोर क्लियरली एग्जामिनर को पता चले. पर वेट का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसे है. तो उसमें आपको सारे थॉट्स एक पैराग्राफ बेस में लिखने होंगे. आपको 30 मिनट्स मिलेंगे. लास्ट ईयर 30 मिनट्स मिले थे वेट के लिए. तो मे बी इस ईयर भी 30 मिनट्स मिलेंगे, बाकी आई एम नॉट कन्फर्म येट. तो जिसमें भी होगा तो शुरुआत के 5 मिनट आप उस टॉपिक के बारे में कीवर्ड्स लिखना कि आप किस किस कीवर्ड से ज्वाइन करके एक पैराग्राफ बना सकते हो. ऊपर एक रफ हेडिंग लिख देना और नीचे कीवर्ड्स लिख देना. फिर उसके बाद उन कीवर्ड्स से एक पैराग्राफ फॉर्म करने की कोशिश करना, एक पूरा क्रिस्टल क्लियर पैराग्राफ हो. और उसके बाद वो आप इरेज कर सकते हो लास्ट में. और अपने वॉइस कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ को ध्यान रखना. आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम उसका ध्यान रखना. और आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. कोई ऐसे सेंटेंस को अवॉइड करना जो किसी भी चीज़ के लिए कुछ बेंड हो रहे हो या फिर उसको सपोर्ट में आ रहे हो. ज़्यादा ना सपोर्ट करना है ना उसे नेग्लेक्ट करना है. अपने आप को इन बिटवीन रखना. कुछ टॉपिक्स जो मैं समझता हूँ स्लैट के पर्स्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ई रूपी. NPCI ने जो ई रूपी अभी लॉन्च किया था वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है वेट में. और आप इसके लिए प्रिपेयर करो. लास्ट के जो भी 12 मंथ्स के आपने GK पढ़ा उसमें ध्यान दो कि किस किस टॉपिक से आपको लगता है कि पैराग्राफ बन सकता है. जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे श्रीलंका क्राइसिस अभी चल रहा है पॉलिटिकली, तो वो इम्पोर्टेंट है. ई कॉमर्स एंड बिजनेस, ये इम्पोर्टेंट है. मैंने कुछ 16 टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी है इस गाइड में. तो उसको देख के उसकी प्रैक्टिस करो, अपने पैराग्राफ फॉर्म करो एंड उसके बाद तुम चेक करना कि तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ आ रही है. यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड फाइल जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में डाली है. मैंने कुछ 16 टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया,
इज इंडिया रेडी फॉर ई रूपी, वॉट आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ई रूपी, इम्पैक्ट ऑफ श्रीलंका क्राइसिस, इज इंडिया रेडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा ही इन एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है. इमरजेंसी के बारे में हो सकता है, जैसे कि इमर्जिंग वाटर क्राइसिस के बारे में हो सकता है. एंटी डिफेक्शन लॉ जो महाराष्ट्र में अभी फैक्टर हुआ था कि शिवसेना के काफ़ी सारे लोग दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे, तो बीच में एंटी डिफेक्शन का भी आया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत. डाटा प्राइवेसी भी एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना. धीरे धीरे इन सब पे प्रैक्टिस करो, जैसे तुम्हें फॉर्मेशन बनाना आ जाएगा एक पैराग्राफ का, तो कॉन्फिडेंस ग्रोथ होगा. तो कोई भी टॉपिक को आप इजीली अप्रोच कर सकते हो अपने एग्जाम में बिना किसी टेंशन या वरी के. तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, और कुछ भी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. दैट्स इट फॉर नाउ. आई एम प्रितेश अरोड़ा साइनिंग ऑफ.